नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी अनुराग के साथ। हम इस समय मौजूद हैं कलेक्ट्रेट परिसर। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय जितने भी रीवा से जुड़े हुए फाल हैं, सब के सब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना होने की वजह से लगातार दुर्घटना में तब्दील हो रहे हैं। पिछले दिनों क्योटी में 6 बॉडी मिली, उसको देखकर लगता है कि मामला वाकई गंभीर हो गया। इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गिरजेश जी हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, पूरा मामला क्या है और क्या ज्ञापन देने में आपने क्या प्रमुख बातें कही हैं। वहाँ पर सबसे प्रमुख विषय ये है, नदी में बड़े बड़े गड्ढे खाई नुमा हो गए हैं, खाई के नुमा रूप में तब्दील हो गए हैं। जब भी वहाँ कोई टूरिस्टर आता है, वहाँ कोई संकेतक चेतावनी चिन्ह बैरिकेटिंग नहीं है, वो वहाँ पर तैरने नहाने की दृष्टि से जब अंदर जाते हैं और गाई में फिसलन होती है, वहाँ गए तो वो उस कुंड में चले जाते हैं जहाँ से उनका निकल पाना मुश्किल होता है। और वो टूरिस्ट स्पॉट जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, वो डेथ स्पॉट के रूप में परिवर्तित है। हमारी मांग ये है कि वहाँ पर जो ऐसे हॉट स्पॉट हैं, उनको चिन्हित करके उनकी बैरिकेटिंग करे प्रशासन, उनके लिए चेतावनी बोर्ड लगाए और वहाँ पर पर्याप्त बल की उपलब्ध कराए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पर्याप्त बल की उपलब्धता होगी तो इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोका जाए। अशफाक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, अगर ये इस तरीके की मांग आपकी पूरी नहीं होती तो अब आगे आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? हम लोगों ने आज इस पत्र के माध्यम से जिला इंतजामिया को ये बताया है कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी जो उपरोक्त मांगे हैं, इस पर यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य और विवश हों। डेथ स्पॉट में टूरिस्ट स्पॉट न तब्दील हो, उसके लिए कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं। निश्चित रूप से उनकी इस मांग को जायज़ ठहराया जा सकता। प्रशासन ने भी आश्वासन दिया, उस जगह पर हम उचित कार्रवाई करने जा रहे हैं। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी के बाद फिर अनुराग के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।